साल पहले इसी तरह बैंक में जाली नोटों का धंधा करने वाले एक कैशियर और अकाउंटेंट थे। मेरे बाप का कत्ल करके राम सिंह की लाश की तरह रेलवे के पटरी पर डाल दिया था। उनकी जान बचाने के चक्कर में तू अपनी जान खो बैठेगा। आज की ताजा खबर नकली नोट छापने वाले गिरोह के एक आदमी को पकड़ लिया गया। आज की ताजा खबर। बद्री, मेरा दामाद भी पूरी तरह से फंसा है। कोई रास्ता दिखा यार। दिखाता हूँ। नींद हराम हो गई। ए बंदूक नीचे कर, इसको तब उठाना जब हमारा बाप आएगा। बॉस, ये हैदराबादी फटका क्यों? इसलिए कि दीनदयाल भिखारी को राजा की कुर्सी पर बिठाना भी जानता है और गिराना भी, समझे? लेकिन मैं, मेरा कसूर क्या है? कसूर नंबर वन, तुम आंख बंद करके सोते हो। क्या जोक मारा बॉस, आदमी आंख बंद करके नहीं सोएगा तो कैसे सोएगा? इस धंधे में आदमी सोता भी है तो आंखें खोल कर, वरना पुलिस वाले आंखों की नींद कब चुरा लेंगे पता भी नहीं चलेगा चिमनलाल। अरे ऐसे कैसे चुरा लेंगे बॉस, हम कोई अनाड़ी है क्या? अगर अनाड़ी नहीं हो तो बैंक मैनेजर कैसे गिरफ्तार हो गया? चिमनलाल, अगर तुम ये चाहते हो कि हम तुमसे तुम्हारी जिंदगी न छीने तो बैंक मैनेजर के कोर्ट में बयान देने से पहले तुम्हें उसकी जिंदगी छीननी होगी। लेकिन बॉस, वो मेरा दामाद है, मेरी बेटी का सुहाग है वो। तुम बेटी के सुहाग की बात कर रहे हो? मैंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी की जान ले ली, समझे? मैं समझ गया बॉस, मेरा दामाद अदालत तक नहीं पहुंचेगा। That's better. हेलो पार्टनर, तुम्हारा क्या खबर है? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तुम इसी तरह अपने मुल्क में हिंदुस्तानी नोट छापते रहो और हमें भिजवाते रहो। ही दानास, तुम आ जा जाओ, तुम्हारा माल तैयार है। डोंट वरी, आई विल बी देयर। जॉन, जाली नोटों की डिलीवरी के लिए रात में हांगकांग जा रहा हूं। लेकिन इस बार तो आपका दामाद जाली नोट लाने वाला था। तुम फिक्र न करो, उसके बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं, मेरे नवासे।
ये काम अब वही करेंगे। ये कुछ हमारे खिलाफ पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहा है? चुप करके बैठ। कल तुम खुद कोर्ट में रहना, अगर जरा सा भी खतरा नजर आए तो चिमन लाल के दामाद को गोली मार देना। कमाल कर दिया है, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। खोलो मेरे दामाद का मुंह। हेलो, कोई अपने जगह से हिलेगा नहीं, अगर हिला तो गोली अंदर और दम बाहर। अरे राम, तू? हाँ मैं, इंस्पेक्टर जयकिशन। देख लिया नमूना? अरे तू अकेला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख, हाथ मत लगा। मैं पहले आईजी से बात करता हूं, बाद में तुम लोगों के साथ चलूंगा। मैं खुद बात करवाता हूं। इंस्पेक्टर यादव स्पीकिंग। हाँ, मैं आईजी साहब से बात करना चाहता हूं। आईजी साहब से? मैं इंस्पेक्टर जयकिशन बोल रहा हूं। समझ गया सर। मैं आईजी खन्ना बोल रहा हूँ। आईजी साहब, मिनिस्टर चिमनलाल जी आपसे बात करना चाहेंगे। अच्छा, दो फोन उस चोर को। यस सर, लीजिए। मेरा भारत महान, क्या हो रहा है ये नेताओं का अपमान है? क्या हो रहा है ये सब? एक मामूली इंस्पेक्टर उठता है और सीधे मिनिस्टर को अरेस्ट करने चला आता है। चिमनलाल, अगर एक छोटी सी चींटी भी हाथी की सूंड में घुस जाए तो वो हाथी को नानी याद दिला देती है। इंस्पेक्टर जैक्सन भी तुम्हारी सूंड में घुस चुका है। भलाई इसी में है कि तुम अपने जूते सर पर रख के अपने आप हथकड़ी पहन कर सीधे पुलिस स्टेशन चले आओ। ये आप क्या मजाक कर रहे हैं सर? हमारे और आपके ताल्लुकात इतने सालों से है। सुनो चिमनलाल, मैंने इंस्पेक्टर जैक्सन से कह दिया है, अगर आप लोग खुद चल के पुलिस स्टेशन नहीं आए तो वो आप लोगों को बेधड़क गोली मार देगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। कमीना साला वक्त में पलटी खाता है। आज तक साला कुत्ता बनकर हमारे सामने अपनी दुम हिलाता था। आज साला हमको कहता है कि अपने जूते सर पर रखकर पुलिस स्टेशन आ जाओ। अरे राम, तो रखो जूते अपने सर पर और चलो पुलिस स्टेशन। ए, ज्यादा सिकंदरी दिखाने की कोशिश मत कर, वरना झटके में वर्दी उतरवा दूंगा। तो मेरी वर्दी तो बाद में उतारेगा, मैं तेरा क्या क्या उतारता हूँ वो देख। अच्छा नहीं किया जय किशन, तुमने नहीं किया अच्छा। सोए हुए शेर को जगा दिया है तुमने। हमारे हाथ में हथकड़ी डालकर सड़क पर घुमाया नहीं, बल्कि हमारे जख्मों पर नमक रगड़ा है। नमक? तुमने बहुत इंसल्ट किया है हमारा, हम तुमको माफ नहीं करेगा। ये मिस्टेक का सजा देगा हम। मेरे पास इतने सबूत है तुम्हारे खिलाफ कि अगर तुम उल्टे लटक कर भी कोशिश करोगे तो भी 20 साल तक जेल के सलाखों के पीछे ही सड़ोगे। अरे हम वो गुड नहीं जिसे तुम जैसे चीटे खा जाएं। हम तो छछुंदर है छछुंदर, अगर सांप के मुंह में भी फंस जाए ना तो वो ना निगल सकता है ना उगल सकता है। निगलेगा तो मर जाएगा, उगलेगा तो अंधा हो जाएगा साला। अच्छा बोल लेते हो, चल। गौरी, कब आई ससुराल से? आज ही। ये है मेरे पति। हाय, हाउ आर यू? हाय, फाइन, थैंक यू सर। चला बैठ। नहीं भैया, हमें तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। अच्छा, चला। कम कम बैठ। क्या बात? एक बात कहूंगी ना तो नहीं कहोगे?
पहले बात तो बताओ। पहले मेरी कसम खाओ। अच्छा बाबा तुम्हारी कसम। ये रुपए रख लो। देखो भैया तुमने मेरी कसम खाई है। अच्छा बाबा आपने वक्त पर गौरी की मदद की, हम आपके एहसान मंद हैं। अच्छा हम चलते हैं। हाँ चाय तो पीकर जाओ। गणपत भाभी कैसी है? बहुत अच्छी। कब आ रही है? कौन है आप लोग? हम सीबीआई ऑफिसर्स हैं। इन दोनों ने कंप्लेन किया है कि आप इनसे रिश्वत मांग रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? सर ये वही नोट है जिन पर हमने निशान लगाए थे। ये रुपए मुझे गौरी ने लौटाए हैं जो कर्ज के तौर पर मैंने गौरी की शादी के लिए दिए थे। तू क्या मेरा सगे वाला है जो मुझको कर्ज देगा? अरे तुम कह रही हो? इंस्पेक्टर जयकिशन यू आर अंडर अरेस्ट। मेरा भारत महान। सिस्टर ने ले ली ब्रदर की जान। हरे कृष्णा हरे राम। क्या फायदा हुआ ईमानदारी का जूता चाट कर? जिस कानून के लिए तुम इतनी फौजदारी कर रहे थे उसने तुम्हारी मदद की। लेकिन हम तुम्हारी मदद करेंगे। जैसे यहाँ से छूटेंगे सबसे पहले हम तुम्हें छुड़ाएंगे। सरकारी नौकरी चली जाएगी लेकिन हम तुम्हें नौकरी देंगे। हाँ अपने सर पे अपना जूता रखकर घूमने की जैसे हमें घुमाया था। ए, गुर गुर कर क्या देखता है भैया? तू कुछ नहीं कर सकता समझा? हरे कृष्णा हरे राम। देख देख कैसा देख रहा है। चलो तुम दोनों को कोर्ट चल रहे हैं। तमीज से बात करो। ये एमएलए है हम मिनिस्टर है और अभी तक जुर्म साबित भी नहीं हुआ है और ना ही होगा। चलो चल। हम जा रहे हैं मुन्ना। लौट कर वापस भी नहीं आएंगे मुन्ने। ये लो इसे जपते रहना कहना हरे कृष्णा हरे राम। अच्छा चलो